दोस्तों बीएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन भारद्वाज। आज मुंबई में पुष्पा फिल्म प्रोडक्शन के द्वारा एक गाने का लॉन्च किया गया, जी हां, जिसका नाम है रात है बाकी। जैसे कि टाइटल से ही मालूम पड़ता है ये गाना बहुत ही खूबसूरत है। इस गाने के सिंगर की अगर बात करें तो फैजल और अफसर ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से गाया है। और अभिनय और एक्टिंग की बात करें तो सुष्मिता बिरुआ और विजय धीरे दीक्षित इसमें काफ़ी अच्छे किरदार में नजर आएंगे और बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। उस गाने की प्रोड्यूसर पुष्पा कुमारी का कहना है कि गाने पर हमने बहुत मेहनत की है, बहुत ही अच्छा गाना है जो दर्शकों को काफ़ी पसंद आएगा। ये गाना 11 मई से बीफोर यू पर देख पाएंगे। इस मौके पर हमने स्टारकास्ट से बात की, देखिए हमारी खास रिपोर्ट गाने के बारे में क्या कहा सभी ने। ले चलते हैं स्टारकास्ट के इंटरव्यू पर। मेरा नाम हेमा सैनी है। जैसे कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि सॉन्ग बहुत खूबसूरत बना है, रात है बाकी, और बी फोर यू पे रिलीज हो रहा है। तो आप सभी हमारे सॉन्ग को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू। मेरा नाम सुष्मिता बिरुआ है और जी हाँ, सॉन्ग बहुत अच्छा बना है, तो सारे लोग मिलके देखें। नमस्कार, मैं पुष्पा कुमारी और मेरा कंपनी का नाम है पुष्पा फिल्म प्रोडक्शन, और इस प्रोडक्शन से कई वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म और कई एल्बम रिलीज हो चुकी है अभी तक। और अभी जो फिलहाल गाना रिलीज होने वाला है बिफोर यू में, रात है बाकी, और इस गाना को जो जिन्होंने गाया है खूबसूरत सिंगर फैजल एंड अफसर अली, ये बहुत ही खूबसूरत गाना है रात है बाकी, जो कि वेनेसडे के दिन, बुधवार के दिन, आने वाले बुधवार के दिन जो है ये गाना बी फॉर यू में रिलीज होगा। वैसे इसके अलावा जो बहुत सारे गाने मेरे रिलीज हुआ है, जैसे खामोशी जो है वो है प्रिया वीडियो में, आप सर्च करेंगे खामोशी, पुष्पा फिल्म प्रोडक्शन से रिलीज है। हम सफर प्रिया वीडियो से ही रिलीज है। आप जो इससे पहले का जो गाना है वो देख पाएंगे। फिर रेड रिबन में आप देख पाएंगे पुष्पा फिल्म प्रोडक्शन का इश्क का जुनून। तो ये सारे गाने जो है रिलीज हो चुका है, और जो फिलहाल हमारा गाना रिलीज होने वाला है वो है रात है बाकी, जिसमें काम की है बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस सुष्मिता बिरुआ और धीरज विजय दीक्षित। वो तो अभी आए नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उनका जो है सूरत में प्रिंट शूट हो रहा है कंटिन्यू, तो वो समय नहीं दे पाए हैं। तो आप जरूर देखें, बहुत ही खूबसूरत गाना है रात है बाकी, ये आप बुधवार को, आने वाले बुधवार को आप देख पाएंगे बी फोर यू में। आपका नाम? मेरा नाम सुष्मिता बिरुआ है। इसमें आपने एक्ट किया है, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? फिलहाल तो ये मेरा थर्ड है, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। बाकी किस तरह का सॉन्ग है ये? लव स्टोरी है। इनके साथ काम करके मुझे हमेशा ही बहुत अच्छा रहा, मतलब फील हुआ है, और आगे भी अच्छा ही रहेगा। आपके साथ में जो सहायक कलाकार है कौन है? उनका नाम धीरज विजय दीक्षित है और he is a very good actor। उनके साथ काम करके कैसे एक्सपीरियंस रहा? फैंटास्टिक। गाना कहाँ पे शूट हुआ है? ये मुंबई में ही शूट हुआ है, लोकेशन अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। कितने दिनों तक ये शूट था और सबसे अच्छी यादगार चीज उसमें से आपको क्या लगती है? बस मुझे लव स्टोरी सॉन्ग्स बहुत पसंद है, तो यही मेरे लिए यादगार है। और बस इस गाने के टाइटल के बारे में क्या करने हैं? और ये रात में बातचीत, सर ये जो गाना है ये बहुत ही खूबसूरत है, और जैसा इसका बोल जो है ना, टाइटल जो है रात है बाकी, तो इसमें हर कोई एक लव प्यार करने वाले लोग क्या सोचते हैं कि मतलब रात को वो क्या फील करे, तो ये इतना ही है कि वो रात है बाकी में बहुत ही खूबसूरत तरह से बनाया गया है, ताकि हर प्यार करने वाले को वो फील मिलता है, वो देख सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। ये इसमें बोल है कुछ? हाँ हल्का है, ताकि गाने का बोल के अनुसार, और इतनी खूबसूरत रात से बहुत सारी ऐसे वर्ड है, तो वो चीज होता है कि होना ही चाहिए गाने में। बोल सीन देने के लिए क्या आपने कुछ झिझक? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही स्मूथली हुआ, बहुत ही स्मूथली, क्योंकि एक्टर सपोर्ट, वो उसने बहुत सपोर्ट किया और मैं भी, सबने सपोर्ट किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ही स्मूथली शूट हुआ।
क्या आज की टाइम को देखते हैं बोल सीन जरूरी है आगे बढ़ने के लिए आपको लगता है? कंटेंट की मांग रहेगा तो फिर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो पुष्पा जी क्या कंटेंट की डिमांड है, इसमें थोड़ा बोल्ड होना चाहिए बिकने के लिए? जी बिल्कुल सर, लोग तो बोलते हैं कि नहीं ये बहुत ही साड़ी में भी कर सकते हैं लोग, लेकिन ये डिमांड था गाना का जो है, ये डिमांड था कि हल्का बोल्ड होनी चाहिए और इतनी भी बोल्ड नहीं था कि किसी भी एक्टर को जो है काम करने में झिझक हो। और इसमें जब कंटेंट पे बात ये था, इस प्रोजेक्ट में मजा इसलिए आया क्योंकि सहयोग दिया और परफॉर्मेंस किया इसमें तो बहुत ही अच्छा लगा। इस गाने में क्या अलग है कि लोग इसे देखें? गाने में तो देखिए हजारों गाना बहुत अच्छा बनता है, लेकिन कुछ उस मतलब कह सकते हैं कि उस गाने में खूबसूरत गाना जो है एक रात है बाकी भी है। अगर कोई इंसान एक बार भी देख ले तो वो चार बार देखने की उसको ललक होगी, जहां तक मुझे लगता है। सिंगर कौन है इसमें, गाने के बारे में बात कीजिए। इसमें सिंगर है फैजल अली एंड अफसर अली। किसने डायरेक्ट किया? डायरेक्ट आपने किया? जी प्रोड्यूस और डायरेक्शन जो है मेरा ही है और प्रोडक्शन जो है पुष्पा फिल्म प्रोडक्शन से ही बन रही है। कई शॉर्ट फिल्म बनी जैसा कि मैं बता चुकी हूँ और ये मेरा तीसरा गाना है और अभी अपकमिंग कई प्रोजेक्ट आने वाले हैं, 10 हिंदी गाने हैं और बहुत सारी चीज। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आप मुंबई में जाके सिर्फ आप मुंबई का बॉलीवुड का ही काम करते हैं, कुछ तो कीजिए जो अपना रीजनल अपना झारखंड। तो मैंने उनके कहे अनुसार मैंने 2-3 गाने भी रीजनल पे किए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो मीडिया में बताने की जरूरत हो। तो ये अभी वेब सीरीज जो है 6 एपिसोड का लेके हम लोग कंप्लीट हो चुका है, जिसमें अरुण बख्शी फिल्म अभिनेता है और एहसान खान भी है और जितने भी अभी 2-3 गाने किए और वेब सीरीज जो कर रहे हैं उसको इतनी खूबसूरत से जिन्होंने फिल्माया उनका नाम है रोबी सागर जी, जो यहीं पर है DOP, और वो बताएंगे आगे, वो अभी बताएंगे। आइए। मेरा नाम रोबी सागर है और मैं एज ए DOP काम कर रहा हूँ उसमें, और मैंने कई सालों से और मैं कई सालों से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, साउदर्न इंडिया क्राइम पेट्रोल और कई मैंने सीरियल की, मेरी 3-4 फिल्में मेरी रिलीज हुई है और अभी मैंने पुष्पा जी के प्रोडक्शन से अभी एक वेब सीरीज मेरा चल रहा है और दूसरा भी ये मैंने सॉन्ग किया इनका, 2-3 सॉन्ग मैंने इनके साथ किए, काफ़ी अच्छा लगा। और हमारे हमारी एक्ट्रेस हैं, एक्चुअली एक कट कर रहा था ना, सुष्मिता जी के साथ काम करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये बहुत सॉफ्ट नेचर की हैं और इनका काम मुझे ज़्यादा पसंद आया। वेब सीरीज में भी इन्होंने मेरे साथ काम किया है जिसमें एहसान खान और अरुण बख्शी जी हैं मेन लीड में ये काम कर रही है और हमारे पुष्पा जी हैं जो इस प्रोजेक्ट के प्रोड्यूसर हैं और उन्होंने भी अभी डायरेक्शन में काफ़ी अच्छा, उन्होंने अभी जो सॉन्ग ने भी बहुत मेहनत की है और मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतना बेहतरीन ये लोग काम कर सकते हैं। तो बताओ बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, उनका जल्द ही गाना रिलीज हो रहा है होपफुली वेडनेसडे तक। जी।